समोसे कचौड़ी पकौड़ी सभी में जान ला देती है ये इमली की बहुत ही टेस्टी चटनी, जिसे मैंने बनाया है बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही कम मेहनत में इमली की ये टेस्टी वाली चटनी। तो सबसे पहले आपको इमली ले लेने पड़ेंगे। अगर आप जल्दी में बना रहे तो इमली को गर्म पानी में अच्छी तरह से भिगो देने पड़ेंगे। उसके बाद मैंने लिए हैं गुड़, जितना आपको इमली लिए हैं उतना आपको गुड़ लेना है, ये आपको ध्यान रखना है, मात्रा आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। और अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मैंने सबसे पहले मिक्स कर दिया है, ये देखिए। और मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, गैस के फ्लेम में अच्छी तरह से इसे चढ़ा देना है और इसे आपको लगातार पकाते रहना है जब तक ये थोड़े से जो है अच्छी तरह से उबाला एक ना आ जाए। और उबाला आते आते क्या हो जाएंगे, इमली भी अच्छी तरह से पक जाएगी और जो गुड़ अच्छी तरह से नहीं गल पाए थे वो भी गल के तैयार हो जाएंगे और बहुत ही झागदार इसमें बबल्स जैसा निकलने लगेगा। और हाँ दोस्तों, अगर मेरे बताने का आपको तरीका पसंद आता है या कोई भी रेसिपी अगर मेरे बताने के तरीके से आप बनाए हैं और अच्छी बनी है तो एक लाइक अभी ही कर सकते हैं। और ये देखिए, पहले फिर मैंने डाला है मिर्ची और मिर्ची का पाउडर, उसके बाद मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है, थोड़ा सा धनिया का पाउडर डाला है और अगर हो सके तो काले नमक को भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। मेरे पास इमली में पहले से ही नमक थे तो मैंने इसमें यूज नहीं किया है। अब चलिए वो भी मैं बता देने वाली हूँ कि अगर आप साल भर तक अगर आप इमली ले आते हैं मार्केट से तो इसे कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो अगर साल भर के लिए लाते हैं और कीड़े लग जाते हैं तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, नमक अच्छी तरह से मिला के इमली में गोले बना बना के रख देने पड़ेंगे। कभी भी आपकी इमली लाई हुई कभी भी ख़राब नहीं होगी और जब भी आप चाहे तो इसे इमली का यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये तरीका अगर पहले पता नहीं था तो ये आजमा के देखिएगा, बहुत ही कारगर नुस्खा है। और ये देखिए, बातों बातों में मेरी इमली की चटनी बहुत ही टेस्टी वाली बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसे आपको अच्छी तरह से छान लेने पड़ेंगे और इसे यूज करना पड़ेगा।